हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ। आज हम लोग मैट्रिक्स के सीरीज में यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। इसके पहले हम दो यूनिट बता चुके हैं, है ना, मतलब दो पार्ट हम बता चुके हैं, उसको आप देख लें तो और भी बेहतर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें मतलब पढ़ेंगे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन होने के लिए क्या चाहिए कि ए मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए m बाय m। एक बी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर m बाय m होना चाहिए। जोड़ने के बाद c मिलेगा, वो भी ऑर्डर क्या होना चाहिए m बाय m। कहने का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर समान हो और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम हो। बिल्कुल आसान जोड़ना, पहला एग्जाम्पल लेना। चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसको ऐड कर लेंगे, क्या करना होगा, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, ए वन वन को बी वन वन के साथ, ए वन टू को बी वन टू के साथ, ए टू वन को ए टू बी टू वन के साथ, और ए टू टू को बी टू टू के साथ जुड़िए। दो तीन पांच, तीन और एक चार, चार दो छ, पांच तीन, यह भी टू बाय टू का मिला, ये भी टू बाय टू का था, ये भी टू बाय टू का था, ये दोनों का ऑर्डर सेम था, तभी जोड़ने के बाद सेम ऑर्डर का मिला। बात लेना, बिल्कुल सिंपल है, अभी बेसिक है तो सिंपल सीखना ही आपको बताया गया, इसको सीखेंगे तो ना धीरे धीरे स्टैंडर्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहला हो गया कमोटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। एग्जाम में ये सब पूछेगा, ठीक ना, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होल्ड करता है, या हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। पहले आप बी को सी के साथ जोड़ के ए के साथ जोड़े हैं, या ए बी को जोड़ के सी के साथ जोड़े हैं, बात देखिए। कंसलेशन लॉ इसमें क्या है, यदि a प्लस बी इक्वल है a प्लस सी तो यह हो जाएगा b इक्वल, यह कैंसिल हो जाएगा, है ना, हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन करने में, a प्लस बी इक्वल a प्लस सी, a कैंसिल b इक्वल क्या आ जाएगा। क्या बात, मेरे आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो नोट भी करते चलें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी वही काम करना होगा जो एडिशन का था, वहां कि इसका एक ऑर्डर m बाय n है, b का ऑर्डर m बाय n है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद c यदि मिला तो उसका भी ऑर्डर m बाय n है। तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। अरे हम पूछे आपको तीन में दो घटाइए, इसका मतलब हुआ तीन में आप माइनस दो को जोड़िए। तीन में दो घटाने का मतलब हो गया तीन में आपको माइनस दो को जोड़ना है, बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री टू टू वन, टू थ्री जीरो टू। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम लिए हुए यहाँ पर। तो तीन में दो घटेगा एक, दो में तीन घटेगा माइनस एक, उसके बाद दो में जीरो घटेगा तो एक में दो घटेगा माइनस, इसका भी ऑर्डर देखिए टू बाय टू, यह भी टू बाय टू था, टू बाय टू था, तो यह दोनों टू बाय टू का था, घटाने के बाद भी आपको टू बाय टू का। तीसरा आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर, मतलब किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान ले कि ए है 2, 3, 4, यदि आप 2 या हम आपसे पूछें तो क्या करेंगे आप, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें -3a क्या होगा, आपको -3 से गुणा कर देना, -3 से गुणा करेंगे तो क्या -6, इसमें -9, -12, -8। क्लियर है, हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने में ही काम करते हैं। यदि आपको पूछा जाएगा a का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो a का नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया -1, जो कितना हो जाएगा -1 से गुणा कर लेंगे -2, -3, -4 और -5। बात क्लियर है, आप लोग नोट भी करते चले। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्लियर, डिस्कस करेंगे अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट लोग ज्यादा गलती करते हैं, उसको आप ध्यान समझें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या होगा, ए यदि मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय p, दूसरा मैट्रिक्स b दिए जिसका ऑर्डर है p बाय n, तो मल्टीप्लाई करने के बाद c मिल रहा है जिसका ऑर्डर हो जाएगा m। तो यह हम लोगों ने क्या देखा, यह नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है, यह नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का रो, सॉरी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये रेस्ट एलिमेंट मिला, ये उसका क्या हो गया, बात क्लियर। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए ले लिए 2, 3, 4, 3, 2, 1, या 2/3 हो गया। बी ले रहे हैं 2, 3, 4, 2, 1, 1। क्लियर, इसका 2/3, उसका 3/4। अब यहाँ a इंटू बी करेंगे तो क्या हो पाएगा क्या, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a में हो गया 2, 3, 4 या 3, 2, 1 और b में हो गया 2, 3, 4, 2, 1, 1। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। तभी आपको बताया गया पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए। देख रहे हैं ये दोनों मिला, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो से मिलेगा तभी यह गुना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद यह कितना ऑर्डर का मिलेगा, 2/ कैसे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई इसका रो इसके कॉलम से। इसलिए भी बताया गया कि पहले का नंबर ऑफ कॉलम मतलब हो गया प्रत्येक एलिमेंट रो में कितना एलिमेंट है, उतना एलिमेंट इसके कॉलम में हो गया, तभी पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो से मिल रहा था, इसका मतलब था इसके रो में उतना एलिमेंट जितना इसके कॉलम में। तो इसको इससे गुना करेंगे, सेम साइन दे रहे हैं, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, तो सर्कल को सर्कल के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ, इस तीनों को इस तीनों के साथ, इस तीनों को इसके साथ, तो क्या पता चलेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 12, 4 × 1। पहला एलिमेंट है, फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में की, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट में की अब सेकंड में की, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 4 × 1 आ गया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, 1 × 1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे 3 × 3 = 2 × 2 = 1। बात समझ पाए, इस रो से इस कॉलम में, फिर इसी रो से इस कॉलम में, फिर इससे इस कॉलम में, इससे इस कॉलम में, एलिमेंट कैसे लिखा गया, पहला रो पहले कॉलम से a11, पहला रो दूसरे कॉलम से a12, दूसरा रो पहले कॉलम से a21, दूसरा रो दूसरे कॉलम से a22। क्लियर, तो यहां से क्या हो गया, करें मतलब था क्या, पहला रो किससे मल्टीप्लाई किया गया, पहले कॉलम से a11, पहला रो
दूसरे कॉलम से किया ए वन टू, दूसरा रो पहले कॉलम से किया दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, वही एलिमेंट आया तो ये मैट्रिक्स के रूप में। क्लियर। चलिए ध्यान जोड़ने के बाद आ गया 12 4 16 4 20, 12 4 16, 8 6 14 1 15, 9 4 13 मिल गए। तो यहां हम लोगों ने क्या निकाला, यहां हम लोगों ने निकाल लिया यहां पे ए क्रॉस बी, ठीक है। अब बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए जब निकालेंगे आप तो बी में एलिमेंट हो गया 2 3 4 2 1 और ए में एलिमेंट हो गया 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो पहले कितना है 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम, तो इसका कॉलम इसके रो से मिला, इसका मतलब इसमें जितना एलिमेंट होगा रो में उतना एलिमेंट इसके कॉलम में, तभी तो गुना हो पाएगा। इसको इससे गुना करना होगा और इसको इससे गुना। अब मिलने जा रहा है कितना ऑर्डर का, अब आपको 3/3 मिलेगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9 = 13, पहले रो पहले कॉलम में, पहले रो दूसरे कॉलम में कीजिए तो 2 × 3 = 6 और 6 = 12, पहले रो तीसरे कॉलम में करेंगे 8 और 3 = 11, दूसरे रो से पहले कॉलम में करेंगे 8 6 = 14, दूसरे रो पहला कॉलम का दूसरे रो से सेकंड कॉलम में करेंगे 4 × 3 = 12 और 4 = 16, दूसरे रो से थर्ड कॉलम में करेंगे 16 और 2 = 18। अब तीसरे रो से स्टार्ट करेंगे, पहले कॉलम में करेंगे 1 × 1 = 2 + 3 = 5, थर्ड रो से सेकंड कॉलम में करेंगे 1 × 3 = 3 और 2 = 5, अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम में करेंगे 1 × 4 + 1 × 1 = 4 और 1। तो यहां से एक बात पता चल गया कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस से यहां पर बराबर नहीं है, है ना। इसलिए अभी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, यहां से प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अब प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, कभी कभी करेगा नहीं करेगा, इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। अब लोग नोट करें वेरी फास्ट, डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग लगा लें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखिए पहला कम्यूटेटिव, इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड्स, कौन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं किसका प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा एसोसिएटिव, लॉ या प्रॉपर्टी जो बोलिए आप, तो यह हो गया ए बी इंटू सी ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। यहां कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बी और सी प्ले क्रॉस होने चाहिए, बी और सी क्रॉस तभी हो पाएगा प्रोडक्ट जब बी का कॉलम सी के रो से मिलेगा, बी का कॉलम सी के रो से मिलेगा तभी हो सकता है। तो यदि यह हो रहा है तो इधर भी हो जाएगा और दोनों बराबर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। चौथा है आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होगा ए इंटू आई एन करें या आई एन इंटू ए करें वह क्या होगा ए ही होगा, तो आई एन को बोला जाएगा क्या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आई एन से मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई एन को बोला जाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा? जीरो मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान में रख लें, एडिटिव आइडेंटिटी वो हो गया जीरो मैट्रिक्स, चाहे वह 2x2 का हो, 3x3 का हो, जो भी लेंगे, ठीक ना, या 2x3 का ही हो, 3x3 का कुछ भी हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा मैट्रिक्स में वो जीरो मैट्रिक्स होगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स में होगा वो आई होगा, यूनिट मैट्रिक्स। पांचवा हो गया, पांचवा प्रॉपर्टी क्या हो गया, इफ ए इंटू बी इक्वल जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए जीरो या बी जीरो या बोथ आर जीरो। क्या लिखे हैं? जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स समझना। क्या लिखे? कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है देन इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्या कि आइदर ए जीरो हो या बी जीरो हो या दोनों जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि ए इंटू ए जीरो है और बी जीरो है, ए इंटू बी जीरो होगा ही, तो हम लोग जानते ही हैं, या ए जीरो नहीं है बी जीरो है तो पर भी जीरो होगा, या ए जीरो है बी जीरो नहीं है तो पर भी ए इंटू बी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यदि ए इंटू बी जीरो है मैट्रिक्स का, यह खास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ए इंटू बी जीरो है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो नहीं भी हो, बी जीरो नहीं भी हो, या बोथ जीरो नहीं भी हो तब पर भी क्या होगा, जीरो होगा। जबकि यहां दोनों जीरो होगा तो भी जीरो होगा, ए टू बी एक जीरो होगा तो भी जीरो होगा, बी जीरो होगा तो भी जीरो होगा, है ना, दोनों में से कोई एक जीरो तो पर भी जीरो, दोनों जीरो तो भी जीरो। जबकि प्रोडक्ट यदि जीरो है तो इनको जरूरी नहीं है कि आइदर ए जीरो हो या बी जीरो या दोनों जीरो। इस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लें, इस पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्लियर। चलिए देखिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, ये हम मान लिए जीरो 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 वन, जो या जीरो के बराबर नहीं है, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं वन जीरो जीरो जीरो, यह भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट हम यहां गुणा करेंगे ए इंटू बी, क्या मिलेगा, तो यहां से आपको मिल पा रहा है, देखिए ध्यान से, यह भी 2x2 का है और यह भी 2x2 का है, प्रोडक्ट करने के बाद भी आपको 2x2 का ही मिलेगा, क्यों, इसका कॉलम इसके रो से मिलेगा, प्रोडक्ट तो होना ही है, दोनों का सेम ऑर्डर रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम नहीं हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले के कॉलम दूसरे के रो से, नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए। चलिए जीरो गुना एक जीरो प्लस जीरो जीरो, इसको सेकेंड में करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो, जो क्या मिल गया जीरो। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि ए जीरो नहीं भी है बी जीरो नहीं भी है तब पर भी ए क्रॉस बी क्या हो रहा है, जीरो, बात ले रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, इफ ए आपका मैट्रिक्स है अल्फा जीरो वन वन, ठीक है, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है वन जीरो फाइव वन, ठीक है, एंड ए स्क्वायर इक्वल बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इसके लिए ऑप्शन है वन माइनस वन फोर, चौथा है नो रियल वैल्यू। क्या सवाल लिए? सवाल आप लोग बढ़िया समझ लें कि ए दिया है बी दिया है और ए स्क्वायर इक्वल बी दे दिया है और तो अल्फा का मान बताना है क्या, तो ए स्क्वायर आपको दे दिया ना, ए गुना ए करना पड़ेगा, तो पहले आप ए इंटू ए कर लें, आप तो आप लोग आसानी से ए इंटू ए कर ही पाएंगे, इसका रो इसके कॉलम से गुना करेंगे तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस जीरो, फिर हो गया अल्फा इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वन इंटू अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, सेकेंड को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड ऑफ सेकेंड कॉलम से वन इंटू जीरो जीरो प्लस वन वन आया, तो आपको दिया हुआ यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, बी दिया है, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने मान कितना निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर जीरो अल्फा प्लस वन या वन, ठीक
ठीक है, और यह किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बी आपका कितना है, 1051। बात क्लियर है। अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिस इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब कि यह दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तभी होगा। या तो इसके इक्वल हो गया या इसके इक्वल हो गया। अब इसको जो है इसके इक्वल होना पड़ेगा और इसको जो है इसके इक्वल होना पड़ेगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से जो मान इसका निकल रहा है, अल्फा का मान 4 निकल गया, और अल्फा इस पर 1 हो रहा है, इसका मतलब हो गया अल्फा का मान प्लस माइनस 1 हो गया। क्लियर है, अल्फा इस पर 1 मतलब अल्फा का मान हो गया प्लस माइनस 1, और यहां से निकल रहा अल्फा का मान 4। तो एक ही पोलो में दो मान अलग अलग नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि इसका नो रियल सोल्यूशन, इसका कोई रियल वैल्यू सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक कॉलम से अल्फा का कोई एक ही मान होना चाहिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता है, यहाँ भी यहाँ। लेकिन अल्फा का मान हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आया, लेकिन यहाँ 1 रखेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अल्फा का मान हम 4 लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, इसलिए इसका नो रियल। बात क्लियर है। चलिए लास्ट लॉ डिस्कस करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आप लोग जल्दी से नोट कर लें, आप लोग हेडिंग लगा लें इक्वलिटी टू मैट्रिसेस। ठीक है, लिखेंगे टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ कॉलम बोथ हैव सेम ऑर्डर, और दूसरा हो गया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या लिखे, टू मैट्रिसेस ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल कहलाएगा यदि बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम, पहली बात, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे हम ए ले लिए 1 2 3 4, बी ले लिए 1 2 3 4, तो हम यहां देख पा रहे दोनों का ऑर्डर सेम लिए हुए हैं, एलिमेंट भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मतलब क्या, पहला रो पहले कॉलम का, यहाँ भी पहला रो पहले कॉलम का सेम, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ भी सेम, दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ भी सेम, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ, दूसरा रो दूसरा कॉलम सेम, तो ये हो गया ए इक्वल। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सवाल आएगा, इफ एक्स प्लस वाई टू थ्री एक्स इंटू वाई इक्वल 5 2 3 6, देन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जब यह इक्वल लगा दिया मतलब हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया। तो आपको देखना होगा, देखिए यह दो दो से मिला, तीन तीन से, कांस्टेंट कांस्टेंट लेके मिल रहा है, तो रेस्ट पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा, एक्स प्लस वाई हो गया 5 और एक्स इंटू वाई हो गया 6। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा 3 और y का मान निकल जाएगा 2, या y का ही मान निकलेगा 3 तो x का मान निकल जाएगा 2, कोई भी हो सकता है। क्लियर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे दोनों आंसर हो सकता था, 3 - 2 भी, 2 - 3, तो मॉड लगने के बाद दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह मेरे साथ बने रहें, और आप लोग का बिलीव बढ़ते जा रहा होगा कि आपको हर छोटी छोटी बातों तक हम आपको पहुंचा रहे हैं, ताकि जीरो लेवल से स्टार्ट किए, ताकि ट्वेल्थ के बच्चे भी आसानी से समझ पाए, फिर हम धीरे धीरे हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि ग्रेजुएशन के बच्चे और नेट गेट में भी जो सवाल आ रहा है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए हम जीरो लेवल से किए, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को हमको मेरा बताना है, और आप लोग को पढ़ना और समझना है, और आप लोग दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर हो करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।